श्रद्धा मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। श्रद्धा मर्डर केस में नए किरदार की एंट्री। श्रद्धा हत्याकांड में बद्री पर आज तक की तहकीकात। श्रद्धा मर्डर केस में अब नए किरदार बद्री की एंट्री हो गई है, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने आफताब के साथ साथ इस किरदार को भी खंगालने का इरादा किया है। बद्री ही वो शख्स था जिससे आफताब हिमाचल के तोश में मिला था और फिर आफताब और श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर में आए। छतरपुर इलाके में उन जंगलों के पास बद्री का फ्लैट है, जहां आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को फेंकने की बात पुलिस के सामने कबूल की थी। छतरपुर का ये वही फ्लैट है जहां बद्री किराए पर रहता था, लेकिन 6-7 महीने पहले बद्री ने अचानक से फ्लैट छोड़ दिया। और अगर अब तक के खुलासों पर यकीन किया जाए तो बद्री के इसी फ्लैट पर आफताब उससे मिलने आता था। बद्री आप ही क्या किराए पर रहता था ना? बद्री था हमारे पास। अच्छा, कितने महीने रहा किराए पे सर? वही 6-7 महीना करीब था, और 6-7 महीना पहले यहाँ से चला गया। दूसरा मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या पुलिस आपके पास आई थी? वो एक बार उनको लेके आया था ना, जो लड़के भी ये किया था उसको लेके आए थे वो पूछने के लिए, लेकिन वो लड़के को मैंने कभी देखा नहीं। आफताब को लेकर आई थी? आफताब को? हाँ हाँ। अच्छा, तो आफताब को लेकर जब पुलिस आपके घर आई तो आपसे कुछ क्या पूछा? वो पूछा था आप इनको जानते हो? वो बोला नहीं, हम इन अंकल को कभी देखा नहीं। तो हमने बद्री को दिया था रेंट पे। अब अच्छा, वो लोग का दोस्त आ रहा है क्या, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें क्या मालूम। दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर इस मकान पर आई थी। श्रद्धा हत्याकांड में एक इम्पोर्टेंट किरदार है बद्री, जिससे लगातार दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अगर आप देखें तो वो सामने की तरफ जंगल है जहां पर आफताब श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंकता था, और ठीक जो जंगल है उसके सामने ये गली जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इस गली में इसी मकान में जो बद्री है वो रहता था। मकान मालिक ने कहा बद्री पहले यहां रहता था, लेकिन 6-7 महीने पहले कमरा छोड़कर चला गया। शायद वो मई का ही महीना था। बद्री क्या यहां पर रहता था? जी यहीं पे रहता था। तो पुलिस आई थी क्या यहां पर? मकान मालिक से बात हुई थी, एक बार बीच में आकर के गए हैं यहां पे। अच्छा, तो क्या मतलब क्या बद्री काम क्या करता था, किसी कहीं कुछ जानकारी? जॉब करता था कहीं पर। अच्छा जी। तो अब यहाँ नहीं रहता बद्री? अब नहीं रहता यहाँ, तो बहुत गए हुए, बहुत टाइम हो गया उसको। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर श्रद्धा मर्डर केस में ये सब कुछ किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? अब पुलिस को इन्हीं तमाम बिखरी हुई कड़ियों को समेट कर उन्हें एक कहानी की तरह पिरोना है। काम बेहद मुश्किल है और वक्त बहुत कम। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।